वेलकम। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मैं जो भी बताऊंगा केवल और केवल वैसा ही बनेगा, और भी तरीका से बन सकता है, लेकिन मैं जो अगर और भी तरीका बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए फिलहाल मैं एक ही तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे उतार लेता हूँ, तो इसे मैं इस टाइप का उतार लूंगा। आप चाहो तो लिख सकते हो गिवन, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए है तो ए रेशियो है यानी कि बट्टा यानी कि भाग यानी कि डिवाइड, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर तो बराबर, 3:4 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 3 है तो 3, ये वाला जो रेशियो है जो गुण का, इसको मैं बट्टा दे दिया, 4 तो 4, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत। नाउ एंड ये जो है, अब चाहो तो गिवन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बी रेशियो सी है और 8:9 है, इसे एज इट इज यानी कि एग्जैक्टली सिमिलरली इस टाइप का मैं इसे भी लिख सकता हूँ, बी है तो बी दे दूंगा, तो रेशियो है तो बट्टा, ये सी है तो ये सी, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आर तो आर, फिर बट्टा, फिर यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा, ऐसे मैंने कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ नाउ इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा, नाउ ये आपको निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है। तो मैं ये यहाँ पे इसको ऐसे उतार दिया, और इसको भी मैं इस टाइप का लिख सकता हूँ, ए बटा सी, ठीक है। आप इसे ए बटे सी को आप देखो इस दोनों के गुणा के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, ये क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ठीक है, आंसर आपको खोजने का रहता है। देखिए जो ये फर्स्ट मेथड जो है, जो मैं अभी बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड, तो उसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, ये ए है ना, तो यानी कि ये जो है, ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट या कुछ भी मान लो, तो ये वाला मैंने यहाँ पे उतार दिया, फिर ये वाला मैं यहाँ पे उतार दूंगा, क्लियर। और यहाँ पे मैं देखिए जोड़ दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पड़ते आने से रहा, ये नहीं आएगा। भाग दूंगा फिर भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा नहीं। तो मैं गुणा का सेन अगर लगा देता हूँ तो यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इस दोनों को मैं गुणा करूंगा तो यही आएगा। कैसे, देखिए ये वाला बी से ये वाला बी कैंसिल हो गया, तो ये वाला बी ये वाला तो आपको उड़ गया, यानी कि कट गया, कैंसिल हो गया, तो ए बट्टा सी, तो ये यहाँ पे आया ना, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये ए बट्टा बी है और बी बट्टा सी है, ठीक है, तो ये वाला कट गया, तो ए बट्टा सी है, तो यानी कि इसके इक्वल हो गया। तो मैं आराम से ए बटा सी को आराम से मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला भी से ये वाला भी कट गया, तो इस टाइप का, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। अब ना यहाँ पे बराबर दे दो, ठीक है, और ए बटा सी का मान आपका क्या है, 3/4 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3/4 यहाँ पे मैं उतार दूंगा, ठीक है। अच्छा गुना तो गुना, बी बटा सी यानी कि 8/9 है, 8/9 मैं क्या करूंगा ऐसे उतार दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर कैंसिल हो रहा है कट रहा है तो काट दो, तो 4×1=4 और 4×2=8 यानी कि 4×1=4 और 4×2=8 यानी कि 4×1=4 4×2=8 ऐसे, और कट रहा है तो और काट दो, 3×3 3×3=9 यानी कि 3×1=3 3×3=3 और 3×3=3 और 3×3=9 इस टाइप का, मतलब कैंसिल कर दो, ठीक है, यानी कि 3×3 3×3=9 4×1=4 4×2=8 तो 2 को 1 से करूंगा मैं गुना तो 2 हो जाएगा और 3 को 1 से करूंगा गुना तो ये हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत। नाउ हेंस आपको ये बट्टा वाला में मत लिखिएगा, देखिए बात हुआ बराबर, लेकिन आपको क्वेश्चन का मिजाज देखिए, क्वेश्चन का मूड देखिए आपको बदलना है, तो आपको इस टाइप का आंसर चाहिए, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके ये लिख दो, ये 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है, और ये जो बट्टा है इसको फिर ये रेशियो देखे ये 3 लिख दो, क्योंकि जब रेशियो का बट्टा लिख सकते हो तो बट्टा को भी आप रेशियो लिख सकते हो, इस टाइप का आप ऐसे करके या हो गया आंसर।